जय हिंद सतो नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिए एसएससी भर्ती 2024 का जो फिजिकल है वो 23 तारीख से स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डाउट में हैं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, क्योंकि जब फाइनल कट ऑफ बनेगी तो मेरा सिलेक्शन उस कट ऑफ में होगा कि नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में सतोष सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी फाइनल कितनी बनेगी और स्टेट वाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कितनी बनेगी। और अगर आपके 5-6 नंबर कम भी हैं सतो, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपकी जो नौकरी होगी वो पक्की होगी कि नहीं होगी। तो इन सभी आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ सर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी जीडी भर्ती जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो अब सर तो फिजिकल जो है आपका वो 23 तारीख से स्टार्ट है। तो जो बच्चे पहले से फिजिकल कर रहे थे उनका फिजिकल अच्छा हुआ होगा, और जो तो अभी फिजिकल की तैयारी नहीं किए या तो 15-20 दिन पहले फिजिकल की तैयारी करना चालू किए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपकी जो फिजिकल होगा वो शायद आपका RFID द्वारा फिजिकल करवाया जाए, हो सकता है आपको ग्राउंड पर आपके बाद दौड़ा जाए। ये एक बेसिक जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में, आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कितनी बनेगी। तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए फाइनल कट ऑफ से पहले। तो देखिए पहले होता था, पहले जो वैकेंसी SSGD हुई है तो उसमें होता था कि फिजिकल के बाद आपका जो है एक कट ऑफ लगती थी, एक कट ऑफ बनती थी। लेकिन अब की बात है तो इसमें फिजिकल के बाद कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो आप लोग सोच रहे हो कि फिजिकल के बाद एक कट ऑफ बनेगी उसमें जो बच्चे हैं वो छट जाएंगे, तो ऐसा सा तो नहीं होगा। एक मैं मिसाल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 2 लाख बच्चों को फिजिकल बुलाया जाएगा, और इसमें से मान लो 1.5 लाख बच्चों ने फिजिकल पास किया। तो 1.5 लाख बच्चों ने फिजिकल पास किया। अगर आप लोग SSC भर्ती 2024 और 25 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, ये बुक आपकी रहेगी मैथ की। और इस बुक में खासियत ये है कि आपको इस बुक में 750 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस बुक में चैप्टर वाइज आपको विषय मिल जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCM हो गया, और यहाँ पे मतलब कि दशमलव और भिन्न हो गए, सरलीकरण, आपको ये सभी चीज़ इसमें देखने को मिल जाए। और इसकी स्टडी गाइड के साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेट बेलन गुड हैं। आपको ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, रीजनिंग की स्टडी गाइड मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी, और सामान्य ज्ञान और हिंदी की मिल जाएगी। आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील से इसको बाई कर सकते हो। या उसके बाद सतो जब इनका मेडिकल डिटेल मेडिकल ये सभी चीज़ें होंगी तब सतो फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो उसमें फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब जाहिर सी बात ये है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो हाई सतो होने वाली है, ठीक है, जो कट ऑफ है वो हाई होने वाली है। अब कितनी हाई रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैं 0.5 से छट जाऊंगा, मेरे 0.5 कम नंबर हैं, या तो मेरे 2 नंबर कम हैं, मैं छट जाऊंगा। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, तो आप लोग तैयारी जो है फिजिकल की करिए। किस्मत मतलब ये है कि किस्मत किसी की नहीं लिखी हुई, किस्मत तो सबकी लिखी हुई है लेकिन किस्मत कोई अपनी देखा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल की अपनी तैयारी करिए, और हो सकता है सतो अब की बार आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग ये नहीं रहिए कि मेरे 0.5 से नंबर कम है, मैं मतलब कि फिजिकल की तैयारी करूँ ना करूँ। तो देखिए सतो आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए, और आपका फिजिकल सतो क्वालीफाई होगा, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो छट जाएंगे, उसके बाद कट ऑफ हाई लगेगी, और हो सकता है इसकी सेकंड लिस्ट भी जारी की जाए। तो इसीलिए आपसे बोलता हूँ फिजिकल की तैयारी अच्छे से करिए, फिजिकल पास करिए, और चांसेस तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं हाई कट ऑफ लगेगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ये है सतो, मैं एग्जैक्ट का सतो आपको कट ऑफ अभी कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका एक बार यहाँ फिजिकल हो जाए, जब डॉक्यूमेंट मेडिकल हो जाए उसके बाद एक मतलब कि कट ऑफ बनाना, आपको एग्जैक्ट डाटा दूंगा। तो मेडिकल के बाद अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, सर मेरा मेडिकल अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो मुझे रेमेडिकल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आपको उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा है RME, ठीक है, तो आपको RME दिया जाएगा, आपको मतलब कि रीमेडिकल टेस्ट के लिए दिया जाएगा। आपको समय जो है सतो लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है, 10 से 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल में आना है। अगर आप लोग उसमें पास हो गए तो सतो आपको अगले प्रोसेस के लिए फिर से बुलाया जाएगा। ये SSC का नियम है, बहुत सालों से चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये रहा सतो पूरी मतलब कि प्रोसेस जो है ये था, और कट ऑफ जो है हाई जाने के चांसेस सतो इसमें हैं। बस आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से, और अपना जो फिजिकल है वो पहले क्वालिफाई करिए। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSC जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।